दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, पहला, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और सबसे पहले आप सभी को हमारे दिल से राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी नौनी में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे ब्लॉग चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पहले सुबह की शुरुआत में मैं आपको यहाँ के नज़ारे दिखा देती हूँ। इस प्रकार का नज़ारे हैं अभी, और अभी हो चुके हैं 6:10 सुबह के। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी अंधेरा, मतलब अभी 6:00 हो। विंटर्स में देर, मतलब जो सुबह होती है वो देर में खुलती है ना, तो विंटर की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जो आजकल अंधेरा हो रहा है ना, वो मतलब बहुत देर में छट रहा है, फिर सवेरा हो रहा है बहुत लेट में। और हमारी बाइक भी अभी यहीं पे रखी हुई है क्योंकि पापा भी अंदर कुछ काम कर रहे हैं, और फिर पापा आएंगे बाहर और अपनी बाइक को बाहर रखेंगे और मेरी साइकिल को भी। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे, क्योंकि छत पे से थोड़ा अच्छा सा व्यू आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और छत पे उतना अंधेरा नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं मेरे आसपास अंधेरा नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे से बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। हमारे घर के आसपास ना आपको हर जगह पेड़ दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2-3 बड़े से पेड़ हैं और हमारे घर के बैकवार्ड में पीछे। और आप जो इधर देखेंगे तो यहाँ अमरूद के बगीचे हैं, और इस साइड नहीं है पेड़ क्योंकि इस साइड लॉन है ना हमारी, तो इस साइड और पीछे की साइड है। कला जो यहाँ पे कमल का तालाब है वो बिल्कुल सूख चुका है, मतलब सूख के चुका है, उन्होंने मतलब कमल सारे निकाल लिए हैं। और जो उसके लिए एक वो होता है बसिंडा, बटिंडा, मतलब क्या कहते हैं उसे, बसिंडा ही होता था, क्योंकि बटिंडा शायद एक जगह का नाम है, क्योंकि जब भी हम पहाड़ जाते हैं तो बटिंडा सुनाई देता है ना, आपने भी सुना होगा। और यहाँ पे जो कमल का तालाब है वो अभी मतलब उन्होंने निकाल दिया है बसिंडा, तो फिर अभी ये खाली हो चुका है। और अब जब गर्मी आ जाएगी, जब भी मतलब पूरी ठंडिया ही रहेगी, अभी ठंडिया स्टार्ट भी नहीं हुई है, मतलब गर्मी आ जाएगी यानी कि 6-7 महीने बाद, फिर वो उसमें कमल बोएंगे और फिर कमल हो जाएंगे खिले खिले से बहुत सुंदर सुंदर से। मेरे पीछे ना भजनों की आवाज़ आ रही होगी, तो वो आवाज़ मैं बताती हूँ कहाँ से आई है। क्योंकि इस साइड ना शिवालय कॉलोनी में एक मंदिर है, तो उसका जो मतलब वो होता है साउंड सिस्टम है, उसका जो फोकस है ना वो सीधा इधर को है, तो इधर को सीधा ना आवाज़ आती है। तो हमारे जो इस साइड वाले बैकयार्ड है, इस साइड वाली जो हमारी गैलरी है, इसमें ना मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और जो इस वाला रूम है वहाँ पे भी इन सब की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। और उधर पे है अनुष्का गार्डन, तो जब भी वहाँ कोई शादी बारात होती है ना, तो सीधा हमारी खिड़की पे आके उसकी आवाज़ स्टक करती है। यहाँ पे सो रखी है, मैडम को भी उठाते हैं। जिया जिया ओ जिया। इतना ही काम करते हैं, आगे रोने लग जाएगी। अभी मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से, और अभी हम जा रहे हैं रुचि बाप के घर, यानी कि हनी और गुनो के घर, क्योंकि वहाँ पे मम्मी को और बाबी को कुछ काम करना है किचन गार्डन का। तो फिर हम भी जा रहे हैं, क्योंकि गुनो को मतलब गुनो के साथ रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो कैसे रहेगा, इसलिए हम भी जा रहे हैं। और जीविका भी यहाँ पे हो चुकी है, रेडी है ना जीविका? और फिर हम सब चलेंगे अपनी सैर पे, आगे की सैर पे। तो चलो चलते हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे से सुंदर, मतलब नज़ारा भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ चलो आगे बढ़ते हैं। और मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी है, ताला वाला लगा रही है जी। आपने सैंडल क्यों पहने? अभी हम पहुंच चुके हैं हनी लोगों के घर पे, और यहाँ पे जीविका, मैं और मम्मी पहुंच चुके हैं। और जीविका ये रही, जीविका अभी भी अपने फूल के साथ ही है, फूल का अभी भी नहीं छोड़ा है। और देखो यहाँ के सुंदर सुंदर से फूल, पिंक कलर के। मम्मी भी प्रवेश कर चुकी है, कर रही है मतलब। ये देखो स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ से हमें उधर जाना है। और जीविका भी अपना जुगाड़ देख रही है, देखते हैं जीविका जा पाती है नहीं, कैसे। OMG, अब जिया के पास थोड़ा सा दिमाग आया और ये चढ़ी ऊपर, और यहाँ से सीधा नीचे। चलो फिर हम भी यहीं से चलते हैं, जिया को फॉलो करते करते पहुँच चुके हैं इनके अंदर वाले बगीचे के अंदर। और यहाँ बिल्कुल झाड़ हो रखा है, और जीविका फिर से मम्मी को ढूंढने पे लग चुकी है। और ये है अमरूद का पेड़, और यहाँ पे अभी हम निकालेंगे अमरूद। देखो यहाँ पे कितने सारे अमरूद हो रखे हैं, मतलब लेकिन ये सारे ना सड़ रखे हैं, सड़ के गिर रखे हैं। ये देखो ये दोनों सही लग रहे हैं, उठा तो जिया ने,
सा ये लगता है, भाभी ने निकाल के रखा होगा। तो इसे खोल के देखते हैं, चेक करते हैं इसके अंदर सही है नहीं है। दिस चेक हम खोल रहे हैं, देख रहे हैं इसके अंदर कीड़े हैं या नहीं। तो इसके अंदर कोई भी कीड़ा नहीं है। देते हो तुम खाते रहते हो करते खुद का आनंद लेते लेते हम देखते हैं मम्मी और भाभी का काम कि वो कैसे कर रहे हैं। और अभी हनी और गुनू अंदर है इसलिए जीविका थोड़ा बोर हो रही है, क्योंकि हनी और गुनू अभी सो रखे हैं। तो जीविका अगर हनी उठा रहता तो अभी तक यहाँ पे इतनी शांति बैठी होती दोनों के दोनों। बस ये दोनों जहाँ पे मिल जाते हैं तो समझो तूफान शुरू। और शाम के समय पे ना यहाँ पे लोग घूमने भी आए हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दीदी अभी यहाँ पे थी और वहाँ पे से और थी, वहाँ पे आ गई क्योंकि दीदी को रास्ता नहीं पता चला। देखो ना दीदी अभी पहुँच सकती है, चला है। गुनू वहाँ पे दादी को देख रहा है। गुनू जय गुनू प्रणाम प्रणाम कर दो, प्रणाम जय प्रणाम करो उसे। निखा रहे निखा रहे तो फिर क्यों बोल रही है। यहाँ पे रह रहा हूँ, वहाँ रहता हूँ। दबा दबा के मारना, हाँ एक ही जगह मत कर पहले। आएगी जाम ना कर। हाँ आगे को हाँ। जी। हाँ।